तुम तो खफा थे उससे, कल तक नाराज थे। मैं उससे नाराज हूं, खफा हूं, क्या फर्क पड़ता है? मुझे नहीं लगता कि उसको रियलाइज भी हुआ होगा कि जो उसने किया वो गलत था और शायद मैं उससे हर्ट हुआ हूं। She didn't even call me once. शायद उसका एतबार तोड़कर तुमने भी उसे हर्ट किया। Come on, Mom. अब तो मुझे कभी कभार ऐसा लगना शुरू हो गया आप मेरी नहीं उसकी माँ। माँ तो मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, लेकिन मुझे सारी जिंदगी इस बात का अफसोस रहेगा कि मैं लड़कपन में तुम्हें टाइम नहीं दे सकी। मुझे लगता था अमेरिका में रहकर तुम सेफ हो, यहाँ की गंदगी, यहाँ के माहौल, यहाँ की बीमारियों से दूर एक तरक्की पसंद, तरक्की याफ्ता मुल्क का हिस्सा। मुझे लगता था वहां रहकर तुम वो सब कुछ हासिल कर लोगे जो यहाँ रहकर कभी भी नहीं पा सकोगे। मम, क्या हुआ? कोई कमी रह गई? कुछ कमी आपके बेटे में? तुम में कोई कमी नहीं, यू परफेक्ट माय सन। I know. बस वो क्वालिटी टाइम नहीं तुम्हें दे सकी, वो क्वालिटी टाइम मिसिंग। और जब समथिंग मिसिंग का एहसास हो तो जिंदगी में खला महसूस होता है। इसी खला को पूर करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए दुआ का इंतखाब किया। जानते हो दुआ में बड़ी ताकत होती है। जानता हूं, और वाकई बहुत ताकत है आपकी बाबू। उसने मुझे फ्लैग कर दिया।